है गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। गाइस अगर आप भी चाहते हैं अपने फ़ोन को कमाल और कूल बनाना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का लुक बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। गाइस बहुत कमाल का एप्लीकेशन है, तो मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा सकता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर जितनी आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं वो मूव होती हुई दिखेंगी। हाँ गाइस आप ध्यान से देख सकते हैं आपकी फ़ोन का पूरा एप्लीकेशन मूव होगा। इस एप्लीकेशन से आप खेल भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगर आपको कुछ ढूंढना होगा तो इसमें बहुत आसान है इस एप्लीकेशन को ढूंढना। अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है या फेसबुक यूज़ करना है या फिर यूट्यूब यूज़ करना है तो यहाँ से सिंपली आपको उस पर क्लिक करके आपको यूट्यूब पर जा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और इस एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो भाई सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में और यहाँ पे टाइपिंग बार पे सर्च करना है रोलिंग आइकन। ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम रोलिंग आइकन नाम है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ रोलिंग आइकन। भाई जैसे ही आप रोलिंग आइकन सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा एप्लीकेशन आएगा जो सबसे ऊपर होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करके आप सिंपली इसको ओपन कीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पांच या छह ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गाइस जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर कितना एप्लीकेशन रखना चाहते हैं आप यहाँ से टिक मार्क करके आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बैक करेंगे तो आपके फ़ोन पर वो सारे एप्लीकेशन रहेंगे जो आपने टिक मार्क किया है। गाइस दूसरा ऑप्शन है फोटो आइकन का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिलेगा। जैसे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपके डिस्प्ले पे आपको शो होगा। गाइस जो तीसरा ऑप्शन है इमोजी आइकन का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इमोजी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप अपने डिस्प्ले पर शो करा सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन है वॉलपेपर का, आप यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है आइकन क्रैश का, यहाँ पे आप गेम भी कर सकते हैं। और छठवां तो आप सबको पता है सेटिंग का। तो आपको सिंपली आपको सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन बहुत कमाल का और कूल लगेगा। गाइस अगर आपने ये किसी को भी दिखा दिया तो आपका फ्रेंड जरूर पूछ देगा आपसे कि यार भाई तूने ये कैसे किया, मुझे भी बता दे। तो आपको बताना पड़ेगा गाइस। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।